गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कक्षा 8 में मैथ्स में एक्सरसाइज 1.1 पढ़ा रहा हूँ। तो देखो, इसमें अपने पास में है प्रीमेय संख्याएं। पहले एक्सरसाइज है, इसमें 1.1 में प्रीमेय संख्याएं हैं, रेशनल नंबर्स। इट मीन्स हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है प्राकृत संख्याएं, पूर्णांक, पूर्ण संख्या, इनके बारे में। थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार, कुछ बच्चे नए हैं भूल गए होंगे। नंबर वन अपने पास है प्राकृत संख्या। तो देखो, प्राकृत संख्या क्या होती है? नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या वन से स्टार्ट होती है, 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश करते हैं, मीन्स 1 प्लस करते जाओ, प्राकृत संख्याएं आपको प्राप्त होती हैं। नंबर टू पर है अपने पास में पूर्ण संख्याएं। देखिए, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या हमारे पास में क्या थी? 1, 2, 3, 4, 5 और मैंने कहा था कि डैश कर दो, इससे पहले हम क्या लगा देंगे? 0 लगा देंगे। ये क्या हो गई? पूर्ण संख्या, होल नंबर्स। नंबर थ्री हमारे पास में आता है पूर्णांक, जो हम 6 क्लास में पढ़ चुके हैं। पूर्णांक जैसे पूर्ण संख्या हमारे पास में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये हैं, तो इससे पहले माइनस में आ जाएंगे, -1, -2, -3, -4, तो ये क्या हो गए? पूर्णांक। तो ये अब हम पहले वाली कक्षा में पढ़ चुके हैं, जैसे ये 6 में पढ़ा है, ये हमने 7 में पढ़ लिया है। अब आता है प्रीमेय संख्याएं, कि प्रीमेय संख्याएं होती क्या हैं, इसको रेशनल नंबर बोलते हैं। प्रीमेय संख्या होती है जिसको हम p / 2 के रूप में लिखते हैं, और इसकी कंडीशन है q नॉट इज इक्वल टू 0, यानी इसका मतलब है q है वो 0 के बराबर होनी चाहिए, यानी q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि अपने पास में ये होता है हंस और ये होता है हर। हर के अंदर 0 नहीं होना चाहिए, यदि हर में 0 आ गया तो प्राकृत आपकी प्रीमेय संख्याएं नहीं होंगी। अब एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे 3/5, 2/-7, 1/9, ये सब क्या है? प्रीमेय संख्याएं हैं। और यदि आपको कोई ये कहे कि अपने पास 0 भी क्या है? एक प्रीमेय संख्या है। -1 है, सपोज कर लो -2 है, 2 है, ये सब क्या है? प्रीमेय संख्याएं, क्योंकि हर नंबर के नीचे क्या होता है? 1 होता है। तो हमारे पास में क्या हो जाएंगे? नीचे 1 लगा देंगे, 1 लगा देंगे, 3/2 के रूप में इसको व्यक्त कर सकते हैं। इट मीन्स ये क्या है? प्रीमेय संख्या है। और यदि हमारे पास में कोई नंबर ये है जैसे 8/0, 10/0, तो ये प्रीमेय संख्याएं नहीं है। कार्ड क्या है, रीजन क्या है इसका? क्योंकि अपने पास में q साफ दिया था, मैंने ऊपर बता दिया था q नॉट इज इक्वल टू 0, q है वो क्या है? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जबकि क्या रहा है? 0 आ रहा है, तो इसके बराबर यदि 0 नहीं आएगा, माइनस में आ जाओ, यहाँ पर प्लस में कोई पूर्णांक आएगा अपने पास में 0 को छोड़कर, तो वो क्या होगी? प्रीमेय संख्या। तो आई थिंक आपके प्रीमेय संख्या की जो परिभाषाएं हैं वो समझ में आ गया होगा, और प्रीमेय संख्याएं क्या होती हैं, किस पर रूप में हम व्यक्त करते हैं, लिखते हैं, वो भी आपके समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन में चलते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में इसमें है -2/3 × 3/5 + 5/2 − 3/5 × 1/6। अब देखिए, इसमें ये कहा है कि उचित गुण धर्म का यूज करना है, तो आपको जो अच्छा लगता है फॉर्मूला उससे आप इसको सोल्व कर सकते हो। अब देखिए, इसमें सबसे पहले हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, एक बार रिपीट कर देता हूँ। यदि किसी के अंदर अपने पास ब्रैकेट होता है, बोर्ड मास इसको बोलते हैं, ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, फिर किसी में ऑफ होता है तो ऑफ को सोल्व करते हैं, फिर हमारे पास में क्या होता है? डिवाइड होता है, फिर मल्टीप्लाई होता है, फिर अपने पास में क्या होता है? एडिशन होता है, जिसको प्लस का साइन होता है, और अपने लास्ट में क्या होता है? माइनस होता है। अब यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में देखो, मल्टीप्लाई दो नंबर के बीच में अपने पास में, उसको मैंने अंडरलाइन कर दिया है -2/3 × 3
अपॉन फाइव, तो इसमें थ्री से थ्री कैंसिल हो रहा, थ्री बन जाए थ्री, थ्री बन जाए थ्री, तो यहाँ पर क्या बच गया माइनस थ्री टू अपॉन फाइव प्लस में फाइव अपॉन टू, और यहाँ पर भी देखो थ्री बन जाए थ्री, थ्री टू जाए सिक्स, तो माइनस अपने पास में बच गया वन अपॉन में टेन। अब इसका एलसीएम ले लेंगे हम, इसका एलसीएम अपने पास में कितना आएगा टेन आएगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर टेन कैसे आएगा, अब छोटी सी बात है अपने पास में फाइव टू और टेन, ऐसे निकालेंगे टू से डिवाइड करेंगे, सबसे छोटा नंबर वन होता है, वन से डिवाइड करो तो सेम नंबर आएगा, कोई फायदा नहीं है, तो हम टू से डिवाइड करेंगे। अब फाइव के टेबल में, टू की टेबल में फाइव नहीं आता तो फाइव लिख दिया हमने, टू वन जा टू, टू फाइव जा टेन, यानी टेन अपने पास फाइव टाइम आया, मैं फाइव से डिवाइड कर दिया हमने, फाइव वन जा फाइव, फाइव वन जा फाइव, तो टू और फाइव यानी एलसीएम जो है हमारे पास में वो हो जाएगा टू इंटू में फाइव इक्वल टू टेन। हमारा काम ये है टेन को क्या करना है फाइव से डिवाइड करना है, तो हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे फाइव टू जा टेन, टू आ गया, इस टू को ऊपर वाले नंबर से क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे प्लस में फाइव, और वही अपने पास में टेन को किससे करना है टू से डिवाइड करना है, टू फाइव जा टेन, फाइव आ गया, फाइव को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है माइनस वन। अब हमारे पास में यहाँ पर क्या है टेन है, टेन को टेन से डिवाइड करो टेन वन जा टेन, वन आए तो वन को वन से मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करो टू टू जा फोर, माइनस का फोर प्लस में फाइव, फाइव जा ट्वेंटी फाइव माइनस में वन। अब देखिए यहाँ पर अपने पास में प्लस के तो ट्वेंटी फाइव है, माइनस के फोर और वन एक जगह कर दे फाइव अकाउंट में टेन, तो कितना बचा ट्वेंटी अकाउंट में टेन, टेन वन जा टेन, टेन टू जा ट्वेंटी, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास ट्वेंटी। दोबारा से थोड़ा सा फिर बता देता हूँ कि सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें डिवाइड है नहीं, ऑफ भी नहीं है, ब्रैकेट भी नहीं है, अभी क्या है मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई मैंने क्या कर दिया अंडरलाइन कर दिया है, तो यहाँ पर थ्री से थ्री कैंसिल कर दिया, तीन से तीन कर दिया, तीन एकम तीन, तीन एकम तीन, यहाँ पर भी ऐसे तीन एकम तीन, तीन दूनी छः, तो यहाँ पर माइनस टू को वन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस के टू अपॉन फाइव, फाइव अपॉन टू ऐसे कैसे हैं। अब यहाँ पर हमने ऊपर तो वन और वन है, तो वन इंटू वन वन आएगा, फाइव को टू से मल्टीप्लाई करो फाइव टू जै टेन, मैंने एलसीएम लिया है आपको अभी बताया था टेन आ गया। अब एलसीएम में क्या करना, नीचे वाला जो हर होता है उसको डिवाइड करना है, तो फाइव टू जै टेन, टू टू जै फोर, टू फाइव जै टेन, दो पंजे दस, पाँच को पाँच से गुणा करो पच्चीस, दस एकम दस एक बार गए, एक को एक से गुणा किया एक, अभी माइनस के चार माइनस एक को हमने एक जगह कर दिया, माइनस के कितने हो गए पाँच, और पच्चीस में से पाँच हटाते कितना है बीस बटे दस, दस एकम दस, दस दुनी बीस, तो ये आपका आंसर आ गया है। अब क्वेश्चन नंबर टू इसी का, देखिए क्वेश्चन नंबर टू हमारे पास में है फर्स्ट का सेकंड, टू अपॉन फाइव इंटू में माइनस के थ्री अपॉन सेवन माइनस का वन अपॉन सिक्स इंटू में थ्री अपॉन टू प्लस में वन अपॉन फोर्टीन इंटू में टू अपॉन फाइव। क्वेश्चन दोबारा चेक कर लीजिए एक बार, टू अपॉन फाइव इंटू माइनस थ्री अपॉन सेवन माइनस में वन अपॉन सिक्स इंटू में थ्री बाई टू प्लस वन बाई फोर्टीन इंटू में टू बाई फाइव। अब वही है डिवाइड तो इसमें भी नहीं है हमारे पास में, तो ये अंडरलाइन कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई तीन के बीच में, तो यहाँ पर देखो थ्री की टेबल में फाइव नहीं आता है, सेवन भी नहीं आता है, टू टेबल में नहीं आता, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, थ्री टू जै सिक्स, फाइव सेवन जै थर्टी फाइव, माइनस के छः बटा पैंतीस, माइनस में कैंसिल हो रहा है, थ्री वन जै थ्री, थ्री टू जै सिक्स, तो माइनस वन अपॉन फोर, यहाँ पर अपने पास टू वन जै टू, टू सेवन जै फोर्टीन, दो एकम दो, दो सत्तर चौदह, ऊपर अपने पास में क्या बचा है प्लस का साइन है वन, और सात को पाँच से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा पैंतीस। अब इसके एलसीएम निकालेंगे, इसके एलसीएम अपने आए पास आएगा वन फोर्टी, ठीक है। अब आप कहोगे सर वन फोर्टी कैसे आ गया, सीधा सा है कि अपने पास में थर्टी फाइव तो कॉमन हो गया, फोर से मल्टीप्लाई कर दो वन फोर्टी आ जाएगा, जैसे हमने टू से डिवाइड किया टू थर्टी फाइव, टू से डिवाइड किया थर्टी फाइव वन थर्टी फाइव,
35 से डिवाइड किया 31 5 1 1 1, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा 140 आ गया। तभी जस्ट मैंने आपको बताया था वही करना है, 140 को क्या करना है आपको 35 से डिवाइड करना है, कितनी टाइम जाएगा 4 टाइम जाएगा, 4 को ऊपर वाले नंबर से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, 4 से डिवाइड करो इसको एलसीएम को 140 को, तो कितना आएगा 4 3 जा 12 4 5 जा 20 35 पर मल्टीप्लाई कर दो ऊपर वाले नंबर से, प्लस में 35 को क्या करना है डिवाइड करना है 4 टाइम जाएगा तो 1 इनटू में 4 माइनस के 24 माइनस में 1 को 35 से करो तो माइनस से कितने आएंगे 35 प्लस से 4 अपॉन में 140। अब माइनस को एक जगह कर दो 5 और 4 9 3 और 2 5 माइनस के 59 प्लस के क्या है 4 अपॉन में 140। अब ज्यादा किसके हैं माइनस के कितने ज्यादा हैं 55 अपॉन में 140। अभी 5 से डिवाइड हो रहे हैं 5 5 5 5 5 5 5 2 जा 10 5 2 जा 40 तो माइनस के 11 अपॉन 23 ये आपका आंसर हो गया। तो पहले क्वेश्चन में दो नंबर क्वेश्चन थे, दोनों के दोनों मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं और एग्जांपल इसके जो हैं वो आप सॉल्व करना, कोई समस्या हो तो मेरे से आप पूछ सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास में, निम्नलिखित से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। अब योज्य प्रतिलोम होता क्या है, सबसे पहले से बात यह है
लेकिन आपको क्या लिखना है, पर आपको सीधा ये लिखना है माइनस सिक्स अपॉन माइनस फाइव का प्रतिलोम। तो क्या हो जाएगा अपने पास में, ये प्लस हो गया, मैंने सोल्व करके दिखा दिया, लेकिन आपको कॉपी में होमवर्क करना है, तब ये लिखना है माइनस सिक्स अपॉन माइनस फाइव का योज्य प्रतिलोम इज इक्वल टू माइनस का सिक्स अपॉन फाइव, क्योंकि पॉजिटिव में चेंज हो चुका था, तो हम क्या करेंगे नेगेटिव में चेंज कर देंगे। ऐसे आगे वाला है ही टू अपॉन नाइन है, तो इसका क्या होगा माइनस के टू अपॉन नाइन। नेक्स्ट फिफ्थ वाला है, ये अपने पास में क्या है कि माइनस फाइव अपॉन एट है इंटू में साथ में दिया थ्री अपॉन सेवन, तो इसको सोल्व कर देता हूँ मैं। देखिए अपने पास में अपने पास में यदि इवन नंबर में मल्टीप्लाई होगा माइनस होगा दो बार चार बार छह बार आठ बार दस बार, यानी सम संख्या में माइनस आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और यदि विषम संख्या में होगा एक बार तीन बार पांच बार सात बार नौ बार, तो अपने पास मल्टीप्लाई तो माइनस में आंसर आएगा, तो हमारे पास में दो बार था तो प्लस में आ गया आंसर। तो आपको आंसर में ये लिखना है इसका फिफ्थ क्लास में माइनस फाइव पॉइंट एट इंटू में माइनस थ्री पॉइंट सेवन का योज्य प्रतिलोम सोल्व करने पर हमारे पास में क्या आया था, ये प्लस में आया था, तो माइनस में करते हैं माइनस के 15 अकाउंट में 56, ये आंसर हो जाएगा। ऐसे आगे वाला है अपने पास में सिक्स वाला हमारे पास में माइनस वन इंटू में माइनस के टू अपॉन फाइव, वही है, इसमें भी अपने पास में क्या है सोल्व करोगे पहले, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो टू अपॉन फाइव किस में कर दोगे नेगेटिव में कर दोगे, तो माइनस का टू अपॉन फाइव लिखोगे, तब क्या लिखोगे सिक्स वाले को भी कि माइनस वन इंटू में माइनस टू अपॉन फाइव का योज्य प्रतिलोम बराबर, सोल्व करने पर टू अपॉन फाइव आया था तो माइनस में कर दो माइनस टू अपॉन फाइव, ये आंसर हो गया आपका। तो शायद अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा योज्य प्रतिलोम क्या है, और मैंने क्वेश्चन नंबर वन में दो थे, दो के दो ब्लैक बोर्ड पर करवाए हैं, इसमें अपने पास में सेकंड में छह क्वेश्चन थे, छह के छह मैंने ब्लैक बोर्ड पर करवाए हैं, और ये आपको अच्छी तरह से साफ सुथरे कॉपी के अंदर करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए आप, क्वेश्चन नंबर थ्री है, अच्छा क्वेश्चन है, पहला x इज इक्वल टू 11 अपॉन 15 और सेकंड है x इज इक्वल टू माइनस के 13 अपॉन 17 के लिए सत्यापित कीजिए। x बराबर माइनस माइनस ब्रैकेट में माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये हमें प्रूव करना है कि कैसे हुआ। तो मैंने अभी जस्ट इस क्वेश्चन से पहले आपको बताया था कि माइनस के साइन है वो सम संख्या में दो बार चार बार छः बार आठ बार आएगा, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, इट मीन्स हमारे पास में माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस और प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस, ये आपको याद रखना है। और माइनस का साइन यदि विषम संख्या में आएगा तीन बार पाँच बार सात बार नौ बार ग्यारह बार तेरह बार सत्रह बार इक्कीस बार तिरपन बार, तो वो किस में होगा माइनस में ही होगा। तो यहाँ पर देखो इसको हम करेंगे माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा एक्स, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस हो गया एक्स बराबर एक्स,
ये हो गया हमारे पास में क्यू, लेकिन ये क्वेश्चन हमारे पास दिया है पहला कि एक्स इज इक्वल टू हमारे पास में 11/15 है, तो हमें इसमें कन्वर्ट करना सीधा सही है। तो हम क्या करें, माइनस का साइन लगा दिया, एक्स की वैल्यू कितनी है 11/15, ये हो ना 15 किसमें माइनस में, तो इसको सोल्व करो आप, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 11/15, तो गिवन में भी क्या है हमारे पास में 11/15, हमने जो सोल्व किया है वो भी क्या है 11/15। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है इसका, माइनस के 13/17, माइनस के 13/17, इसको कोई करना हमारा काम, हमारा काम है बस इसमें चेंज करना, इसको पहले माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा दिया, फिर हमारे पास माइनस है, माइनस लगा दिया, फिर हमारे पास गिवन में क्या है -13/17, तो यहाँ पर लिखोगे -13/17, ये ब्रैकेट बड़ा लगा दिया। तो मैंने बताया था माइनस का साइन तो कितनी बार है, एक बार दो बार तीन बार, तो मैंने यही कहा था अभी कि यदि माइनस का साइन विषम संख्या में आता तो आंसर किस में प्राप्त होगा, माइनस में, तो हमारे पास तीन बार आया तो माइनस का 13/17, तो ये अपने पास जो गिवन था कि ये हमारा प्रूव हो गया, यानी हमने सोल्व किया तो जो दिया हुआ था वो सेम प्राप्त हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, थोड़ा मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ, इसका रीजन ये है कि हमारा सिलेबस बहुत लंबा है, सिलेबस चेंज हो गया है और बुक आप देखी होगी बहुत मोटी है और लॉकडाउन की वजह से स्कूल बंद रहे हैं, इसलिए थोड़ा फास्ट करवा रहा हूँ, आपको भी फास्ट काम करना है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, निम्नलिखित गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए, हमें लिखना है गुणात्मक प्रतिलोम, तो सबसे पहले क्वेश्चन है गुणात्मक प्रतिलोम होता क्या है। देखिए गुणात्मक प्रतिलोम होता है अपने पास में दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, दो पूर्णांकों को क्या करेंगे, एक तो गिवन में हमारे पास में, एक हम अपने तरफ से लेंगे, ठीक है, दो पूर्णांकों को क्या करेंगे, दो पूर्णांकों की जो गुणा है एक आना चाहिए, कितना आना चाहिए ओनली वन, ये याद रखो बस, गुणात्मक प्रतिलोम में क्या करना है हमें कि जो पूर्णांक है एक तो हमारे पास में दिया हुआ है, दूसरा हमारे को अपने पास लेना, ऐसा लेना है कि उसको मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आ जाए, एक आ जाए। तो इसमें क्वेश्चन देखो, पहला माइनस के 13 है, सेकंड माइनस के 13/19 है, थर्ड 1/5 है, फोर्थ माइनस के 5/8 इंटू में माइनस के 3/7 है, और फिफ्थ हमारे पास में है -1 × -2/5, और सिक्स हमारे पास में है -1, ये हमारे पास में 6 क्वेश्चन इसमें। तो मैंने क्या कहा है, दो पूर्णांकों की जो गुणा है वो एक में, एक पूर्णांक हमारे पास में गिवन में है डायरेक्ट है, दूसरा हमें अपनी तरफ से लिखना है, तो सीधा सा है भाई इस एग्जाम्पल को छोड़ दो, मैं कहूँगा मेरे पास 1/10 है, अब इसको गुणा करना है, एक लाना है, तो इस संख्या को उल्टी कर दो बस 10/1, समझ गए, तो 10 से 10 काट दो तो 1/1 कम करो क्या होगा 1, एक तो हर नंबर के नीचे होगा, एक को हम कभी लिखते नहीं, तो ऐसे हमारे पास में क्या है, पहला क्वेश्चन माइनस का 13 है, क्या करोगे 1/13, मैंने कहा था ना उल्टा करो, इसके नीचे 1 होता है, 1 हम लिखते नहीं है, उसको उल्टा करें तो आपको लिखना पड़ेगा, तो अपने पास में क्या होगा, जो -13 है इसको कैंसिल करता हूं, हमारे पास में क्या हो गया 1 हो गया। सेकंड वाला है माइनस के 13/19, ये है तो वही है अपने पास माइनस के 13/19, आपका काम क्या होगा 19 ऊपर जाएगा माइनस का 13 ऐसे जाएगा, या इसको ऐसे बोल सकते हो जैसे -13/19 है हमारे पास में है -5/8 × -3/7, पहले मल्टीप्लाई करेंगे इसको, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 5 3 15, 8 7 56,
इसको उल्टा कर दो या 56 ऊपर और 50 नीचे काट दो 1 ऐसे इसको कर दो माइनस माइनस क्या होगा प्लस 2 अपॉन 5 होगा 5 ऊपर कर दो 2 नीचे कर दो कैंसिल 1 माइनस 1 को क्या करोगे माइनस 1 को 1 ये कर दो अपने पास में इनटू में 1 अपॉन माइनस 1 इसके नीचे भी 1 होता है दिखते नहीं जस्ट मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था ऐसे तो काट दे अपने पास में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा यानी माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना है तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका हो गया है 6 क्वेश्चन थे इसमें गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में बताया है कि दो जो पूर्णांक हैं एक पूर्णांक आपके पास में दिया हुआ होगा क्वेश्चन में दूसरा हमें ज्ञात करना है तो उसके लिए मैंने कहा था उसको रेसिप्रोकल यानी उल्टा कर दो नीचे वाली संख्या को ऊपर ऊपर वाली को नीचे यदि माइनस का साइन है तो माइनस साइन लगा दो नहीं है तो मत लगाओ तो वो होता है गुणात्मक प्रतिलोम क्वेश्चन नंबर 5 निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म यानी गुण का नाम लिखना है केवल सोल्व नहीं करना है क्वेश्चन में तो 7th में आपने पढ़ लिया है माइनस के 4 अपॉन में 5 इनटू में 1 इज इक्वल टू 1 माइनस के 4 अपॉन 5 इज इक्वल टू माइनस के 4 अपॉन 5 तो ये सही है क्वेश्चन तो लेकिन इसमें पूछा कौन सा गुण लगाया है ठीक है तो इसमें देखो इसको क्या 1 से मल्टीप्लाई हुआ है 1 तो मैंने यहाँ पर लिखा नहीं 1 इसमें भी भैया माइनस 1 यहाँ पर है इज इक्वल टू 1 इंटू में माइनस 4 अपॉन 5 इज इक्वल टू अब देखो अलग से बताते इसको सोल्व करेंगे तो माइनस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस 4 अपॉन में 5 ये है ना बीच वाले को 1 से मल्टीप्लाई किया तो इसमें आपके 7th क्लास में आपने पढ़ा है 7th में मैंने नहीं पढ़ा दूसरे सर पढ़ाते थे तो उन्होंने आपको बताया गुणधर्म के बारे में तो गुणधर्म में जाऊंगा टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाएगा जिस बच्चे को डाउट है तो क्लास में बैठेंगे उस टाइम डिस्कस कर लेंगे इस पर तो इसमें अपने पास गुणात्मक यानी 1 से मल्टीप्लाई हुआ है तो इसका मतलब क्या है गुणात्मक ये वाला गुण धर्म का यूज हुआ इसमें क्योंकि 1 से दोनों के अंदर सेम नंबर है और 1 से मल्टीप्लाई हुआ अब सेकंड हमारे पास में इसमें माइनस के 13 अपॉन 17 इनटू में माइनस के 2 अपॉन 7 ये भी इजी है देखो माइनस 2 अपॉन 7 इनटू में माइनस के 13 अपॉन 17 अब इसमें कौन सा गुणधर्म यूज हुआ है यानी सीधी सी बात है मैं ये कहूंगा भैया 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 बात सही है ना 2 इंटू 5 और 5 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 10 आएगा या 2 को 5 से कर दो या 5 को 2 से कर दो वो यहाँ पर है 13 को 2 से कर दो चाहे 2 को 13 से कर दो माइनस से साइन एक बार है माइनस से साइन इसमें भी 2 बार है सॉरी इसमें भी 2 बार है 17 को 7 से कर दो चाहे 7 को 17 से कर दो मल्टीप्लाई सेम आएगा तो ये अपने पास क्रम हो गया एक ठीक है तो इसमें आप लिखो क्रम विनिमेयता क्रम विनिमेयता ठीक है क्या यूज हुआ इसमें क्रम विनिमेयता क्योंकि अपने पास सेम क्रम चल रहा है चेंज किया हमने अब थर्ड क्वेश्चन इसका है पहले है मेरे पास में माइनस में 19 अपॉन में 29 इनटू में 29 अपॉन माइनस 19 इज इक्वल टू 1 अभी जस्ट मैंने इससे पहला वाला क्वेश्चन है वो ही मैंने करवाया है करवाया था ना तो इसमें कौन सा लगेगा आपका क्या करवाया था उसमें गुणात्मक प्रतिलोम मैंने कहा था ना दो पूर्णांक को गुणा करने पर आंसर क्या प्राप्त हो 1 तो वही है यहाँ पर माइनस के 19 अपॉन 29 उल्टा रेसिप्रोकल कर दिया इसको 29 अपॉन माइनस के 19 आंसर क्या है 1 तो क्या लिखेंगे गुणात्मक प्रतिलोम ठीक है तो आई थिंक आज का आपने 5 क्वेश्चन करवा दिए इस एक्सरसाइज में अपने पास में कितने क्वेश्चन है टोटल 11 क्वेश्चन है एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ आज कल फिर 5 बच जाएंगे चलो एक और ले लेता हूँ 6 वाला
वो ज्यादा में इसलिए ले रहा है इतने में क्योंकि हमारे जो है गाइडलाइन में 30 मिनट की क्लास है और आई थिंक लगभग 30 मिनट के आसपास ही क्लास आपकी हो जाएगी, जो मैंने बड़ी फास्ट करवाई आपको। और फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे को कॉल करके पूछ सकते हो और टाइम रहेगा कॉल करने का आपका 8 से 12 तक, और क्लास अटेंड करूँगा उस टाइम मैं आपको अटेंड नहीं करवाऊँगा आपको। फोन 6 वाला है 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। देखो सबसे पहले ये समझना है कि व्युत्क्रम होता क्या है। व्युत्क्रम का मतलब होता है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब संख्या को उल्टी करना, यानी भिन्न हमारे पास में होता है अंश अपॉन हर, और इसमें उल्टा कर दो, हर को ऊपर कर दो और अंश को नीचे कर दो। अब जो अपने पास में यहाँ पर 6/13 को मल्टीप्लाई करना है, किससे करना है? माइनस के 7/16 के व्युत्क्रम का। तो सबसे पहले ये बनता है कि -7/16 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो क्या होगा 16/-7 या -16/7। 16 ऊपर जाएगा और 7 नीचे, माइनस के साइन नीचे लगाओ ऊपर लगाओ बीच में लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम होता है। तो हमारे पास में ये हो गया 6/13 मल्टीप्लाई क्या करना है इसका व्युत्क्रम हमें निकालना है 16/-7, तो गुणा कर लूँगा से तो हो गई 16/96 और 13/11 ये आंसर होगा। इसको ऐसे लिख दो या माइनस के 96/91 ऐसे लिख दो। तो ये क्वेश्चन अपने कितने हो गए, 6 हो गए, ठीक है। तो ये 6 क्वेश्चन आपको कॉपी में करने हैं अच्छी तरह से। आई थिंक मैंने सारे क्वेश्चन ब्लैकबोर्ड करवाए हैं 1 by 1, जितने भी दे रखे थे सारे के सारे करवाए हैं। साफ सुथरा कॉपी में काम करना है आपको, काम करने के बाद में आप मेरे को व्हाट्सएप पर सेंड भी कर सकते हो, मैं चेक भी कर लूँगा, अदरवाइज स्कूल खुलने उस टाइम में चेक कर लूँगा। लेकिन साफ सुथरा काम करना है, नहीं समझ में आए कोई चीज़ तो आपस में आप डिस्कस कर सकते हो, फिर भी नहीं आता तो आप मेरे को कॉल कर सकते हो, मेरे से पूछ सकते हो इसका रिस्क क्या है। ओके, थैंक यू।